जस्ट इमेजिन, अगर हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही इकलौता प्लेनेट होता तो? अगर ऐसा होता तो क्या हम ह्यूमन अस्तित्व में आ पाते? और हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में कहाँ लोकेटेड होता? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देखते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो या लेट्स स्टार्ट। हमारे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ को लाइफ फॉर्म सपोर्ट करने में और सेफ रखने में। यही सभी प्लैनेट ही अर्थ का अरबों सालों में इतना डेवलप करने में हेल्प किया है कि आज अर्थ लाइफ फॉर्म सपोर्ट करता है। तो क्या होता अगर हमारा सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही इकलौता प्लैनेट होता तो? अगर हम सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो हर एक प्लैनेट अपनी अपनी जगह पर ऑर्बिट कर रहा है। क्या ये कोई इत्तेफाक है? तो जवाब है नहीं। सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट एक दूसरे को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकरी और वीनस गायब हो जाए तो अर्थ सन के बहुत नजदीक चले जाएगा, और अगर जुपिटर और सैटर्न गायब हो जाए तो अर्थ सन के बहुत दूर चले जाएगा। और इसके बाद आपको पता ही है क्या होएगा, अर्थ में ठंड बहुत बढ़ जाएगा, इतना कि कोई इसमें रह भी ना सके। अभी हम लकीली हैबिटेबल जोन में हैं, जिसे गोल्डिलॉक्स जोन भी कहा जाता है। यहाँ ना ज़्यादा ठंड होता है ना ज़्यादा गर्म। लाइफ फॉर्म सपोर्ट करने के लिए ये बिल्कुल प्रॉपर जोन है। अगर अर्थ सन के ज़्यादा नजदीक गया तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और राख बन जाएगा, और अगर अर्थ सन के बहुत दूर चला गया तो अर्थ का टेम्परेचर गिर जाएगा और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगा। अर्थ का पोजीशन हमारे सोलर सिस्टम में ये हमारे लाइफ फॉर्म को ही अफेक्ट नहीं करता, बल्कि हर चीज़ को अफेक्ट करेगा जो अर्थ पर होता है।